चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना हालातों की समीक्षा करेंगे। 8:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह समीक्षा बैठक आयोजित होगी। महत्वपूर्ण कई मायनों में यह बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें जुड़ेंगे। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और जिस तरह से लगातार बीते हमने 2 से 3 दिनों में देखा कि समीक्षा बैठक का सिलसिला बहुत तेज है और उस बैठक के आधार पर बड़े फैसले भी हो रहे हैं, तो आज की बैठक के लिए इस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण? अभिनव, फैसला तो हो चुका है। जिस तरह से कर्फ्यू की अवधि जो है जन पखवाड़ा जो शुरू किया है 3 मई तक, उसका फैसला लिया जा चुका है। उससे कड़ा फैसला तो उसकी पालना को लेकर होगा कि किस तरीके से जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनको कैसे अब डिटेन किया जाए, कैसे पालना करवाई जाए और सख्ती कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें आज हमारे मार्फत सीएम के पास भी पहुंची है, रघु शर्मा के पास भी पहुंची है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तस्वीरें देखी है कि कैसे सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं और बिना काम के निकल रहे हैं। अधिकांश तो शायद तमाशा देखने के लिए निकले हैं। आरयूएचएस अस्पताल की तस्वीरें हमने दिखाई है कि कैसे बेड जो है वहां पर नहीं है, ऑक्सीजन का संकट राजस्थान में है, वैक्सीन का संकट है। ऐसी हालातों में मुख्यमंत्री की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर कर्फ्यू लगाया गया है तो उसकी पालना बहुत जरूरी है और आज की इस बैठक में पूरा फोकस सीएम का निश्चित तौर पर इसी बात को लेकर रहेगा कि पुलिस प्रशासन अब सख्ती करे, लोगों को डिटेन करे, फाइन करे, मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ बड़ा जुर्माना लगाए, जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करे। इसके अलावा वैक्सीन की स्थिति जो है उसको लेकर बातचीत होगी। क्या वर्तमान में जिस तरह से आज 50 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, 11,000 से ज्यादा केस आ गए हैं, इन पर कैसे अब लगाम लगे, कैसे भीलवाड़ा और रामगंज जैसा मॉडल है पूरे राजस्थान के लिए लागू किया जा सके, इन सब मसलों को लेकर सीएम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए।